नमस्कार, न्यूज हिंदी टीवी चैनल में आपका स्वागत है। प्याज काटने पर आंखों में क्यों आते हैं आंसू, क्या इसके पीछे है साइंस, जानिए इससे बचने के लिए पांच तरीके। अगर आप प्याज काटने में तेज धार वाले चाकू का इस्तेमाल करते हैं तो आप प्याज की कम से कम कोशिकाओं के नुकसान पहुंचाते हैं, और ऐसे में प्याज से साइन प्रोपेथियल एस ऑक्साइड कम मात्रा में निकलता है और आपको आंखों में आंसू कम आते हैं। प्याज काटने वक्त आंखों में आंसू से बचने का ये तरीका बेहतरीन है। प्याज काटते वक्त प्याज का कटा हुआ हिस्सा चॉपिंग बोर्ड की तरफ रखें, जिससे साइन प्रोपेथियल एस ऑक्साइड आंखों के संपर्क में कम आए जाएगा और आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे। अगर आप प्याज का ऊपरी हिस्सा छीलकर उसे विनेगर और पानी के घोल में थोड़ी देर के लिए डुबाते हैं तो साइन प्रोपेथियल एस ऑक्साइड के केमिकल रिएक्शन का असर नहीं के बराबर होगा और आपके आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे। अगर आप प्याज का छिलका हटाकर उसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखते हैं तो आपको आपके आंखों में जलन और आंसू की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि प्याज काटने वक्त आपके आंखों में आंसू नहीं आ जाए तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं। अगर प्याज का ऊपर का छिलका उतरकर उसे थोड़ी देर तक पानी में डुबोकर रखते हैं तो प्याज काटते वक्त आपके आंखों में आंसू नहीं आ जाएंगे।